हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल ब्लॉग फुटेज। ये जो खाना देख रहे हैं आज हम दोनों मिलके गौ माता को खिलाने जा रहे हैं, जो कि गौ माता को खिलाना काफ़ी पुण्य का काम भी होता है और अच्छा भी लगता है, एक सुकून सा महसूस होता है। इसलिए हम हर एक दो दिन पे शाम के टाइम गौ माता को खाना देने जाते हैं। तुम जो वीडियो बनाई थी, खाना खिलाकर पुण्य के भागी बनते हैं। तो आप भी कहीं पे भी गौ माता मिले तो आप उनको जरूर खिलाएं और पुण्य के भागी कमाएं। तब हाथ में, हाँ हाथ में सब तब दीजिए। आपके पास जो भी बचा हो आप उन्हें दीजिए मत, कि गौ माता को खिला दें। आपके रोड के आसपास जो भी मिलेंगे उनको भी खिला दें। मुझे काफ़ी अच्छा माना गया है इस चीज़ को, तो आप ही पुण्य कमाएं। खिलाने में बहुत आनंद आता है, एक बार आप लोग खिला के जरूर देखें। हम तो हर बार यही आकर खिलाते हैं गौ माता को। हुआ सब खराब हो गया। ये एक चौराहा है यहाँ बरेली सिविल लाइन्स, यहाँ पे ऐसी गौ माता खुले में रहती हैं और हम लोग शाम के टाइम पे आते हैं और खाना देते हैं। काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे आना। आप भी एक बार खिला कर देखिए कितना मन प्रसन्न हो जाता है। उधर भी जाके दे दो ना सबको। दे ना। चलो एक बार हाथ में निकालो, दो चार बार सबको दे दो। इसका मन बढ़ गया। चलो चलो तुम मत खाओ अब। और भी सारे गौ माताएं ले लीजिए। हम लोग यहाँ भी आते हैं और सारे गौ माताओं के खिलाते हैं, लेकिन फिलहाल वहाँ बचा नहीं, इसलिए अब हम लोग जा रहे हैं सब्जी लेने। फिर सब्जी इधर से लेंगे और सब्जी लेके लौटेंगे, फिर घर को जाएंगे। तो आप भी गौ माताओं को खिलाया कीजिए और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू और धन्यवाद। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू।